गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सारे? मौज मस्ती कर रहे हो ना सारे? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो है स्पोकन इंग्लिश की। जी हाँ, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर है हमारी स्पोकन इंग्लिश पीडीएफ। तो आज की जो बेटा क्लास है वो रहने वाली है स्पोकन की। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ आज की क्लास में। आज की क्लास में करेंगे हम कुछ इंटरेस्टिंग। करने का मतलब क्या होता है बेटा, जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं ना, तो इंग्लिश बोलते टाइम आप कुछ ऐसा करो कि एक सेंटेंस से ही दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, पांचवा सेंटेंस ऐसे बनाते जाओ। यानी आपको एक बोलने का तरीका बता दिया जाएगा बेटा, उसके बाद आपने उस चीज़ को आगे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है और उसी से नए नए सेंटेंसेस आपने बनाने हैं, आज की क्लास बड़ी ही आसान रहने वाली है, इतनी आसान कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी उस क्लास से मैं नए नए तरीके से आपको बोलना सिखाऊंगा, तो आपने वो चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो आज का जो, वैसे मैं अपने पेड स्टूडेंट्स को करवाता हूँ ये वाली पीडीएफ, लेकिन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। तो स्पोकन इंग्लिश की जो क्लास है उसका मॉड्यूल नंबर 1, जो मैं स्टार्टिंग इनिशियल फेज में, जब मैं स्टार्टिंग में उनको बोलता हूँ कि तुम्हें ये सेंटेंसेस बोलने हैं, तुम्हें बेटा जी ये सेंटेंसेस बोलने हैं, तब मैं करवाने उनको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है जी। ये हमारी आज की क्लास रहने वाली है। तो मैं, अच्छा अगला पेज खोलना पड़ेगा। तो देखो सेंटेंसेस चीज़ों से रिलेटेड अलग अलग हैं। सेंटेंसेस क्या है, सबसे पहले आगे हमारे क्लोथिंग्स के, जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे क्लोथिंग्स के आने के बाद यहाँ पर हो गए हमारे फूड से रिलेटेड, फूड से ख़त्म होने के बाद हमारे आ जाएंगे बेटा यहाँ पे ऐसे ऐसे। मैं आपको 10,000 प्लस सेंटेंसेस देता हूँ स्पोकन वाले स्टूडेंट्स को एजुकेशन से रिलेटेड। अभी ये छोटे हैं, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे एजुकेशन के बाद, कोई नेचर के, प्रकृति के आ गए जैसे, इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट को 10,000 से ज़्यादा सेंटेंसेस देता हूँ, जो मैं पिछली क्लासेस में एक दो क्लासेस आपके ले चुका हूँ, उनमें मैंने मॉड्यूल पढ़ाए भी हैं आपको, ठीक बेटा। तो स्टार्ट करते हैं, समझो किस तरीके से करने हैं। जैसे हिंदी पढ़ो पहले आप, कपड़े पहन लो। अब देखो इंग्लिश बोलना शुरुआती है आपके लिए, जब आप शुरुआत में इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तब आपको ऐसे सेंटेंसेस की नीड होती है, छोटे सेंटेंस और आसान सेंटेंस। जैसे मैंने बोल दिया कपड़े पहन लो, आप इसकी इंग्लिश बनाओगे वियर द क्लोथ्स। अब देखो इसको आपने बोलना है सिर्फ एक बार, हिंदी में आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ बेटा एक बार, लेकिन इंग्लिश में आपने बोलना है 4 से 5 बार, और ज़्यादा ज़रूरत हो तो 5 से 10 बार भी आप बोलोगे वियर द क्लोथ्स। अब सिर्फ इतना ही रटके नहीं छोड़ना है, कुछ एक्स्ट्रा भी तो बनाओ, कुछ एक्स्ट्रा भी तो बनाने की कोशिश करो। जैसे सेंटेंस है कपड़े पहन लो, जैसे तुमने बनाना है हम पार्टी में जा रहे हैं कपड़े पहन लो, वी आर गोइंग एट द पार्टी वियर द क्लोथ्स, बन गए ना, ठीक। अगला बनाओ वॉश द क्लोथ्स, मतलब कपड़े धो लो, आपको किसी को बोलना है कपड़े धो लो, वॉश द क्लोथ्स। अब कपड़े धो लो, चलो एक सेंटेंस और ऐड करो, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं कपड़े धो लो, योर क्लोथ्स आर डर्टी सो प्लीज वॉश द क्लोथ्स, बन रहे हैं ना सेंटेंस। अगला है शर्ट पहन लो, जैसे वियर द शर्ट, चलो। तुम टी शर्ट में अच्छे नहीं लग रहे हो, शर्ट पहन लो, यू आर नॉट लुकिंग गुड इन टी शर्ट, वियर द शर्ट, चलो। अगला सेंटेंस आप ऐसे बनाओगे, मैंने आपको छोटे छोटे तरीके बताए, आप थोड़ा अलग बनाओगे, समझ गए ना। जैसे कपड़े उतार लो, मम्मी बोलती है तुम्हारे कपड़े गंदे हैं कपड़े उतार लो, या मैं कपड़े धोने जा रही हूं, चलो ये बनाओ, कपड़े गंदे वाला बना चुके हैं, मैं कपड़े धोने जा रही हूं तुम्हारे कपड़े गंदे हैं
कपड़े उतार लो, ये सेंटेंस बनाओ। तुम्हारे तुमने बोला मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू वॉश क्लोथ्स, आई एम गोइंग टू वॉश क्लोथ्स। तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, योर क्लोथ्स आर डर्टी, टेक ऑफ योर क्लोथ्स या टेक ऑफ द क्लोथ्स, टेक ऑफ योर क्लोथ्स एंड गिव मी, आई विल वॉश देम, आई विल वॉश देम। बनाओ बेटा बनाओ, इंग्लिश सोचना, वो कहती है ना इंग्लिश में सोचो, थिंक इन इंग्लिश ओनली। तो यही होता है कि जो चीज़ आप इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं, जो चीज़ आप सोचते हैं, वही चीज़ आप जब आपकी जुबान पे ये सेंटेंसेस आ जाएंगे, जिस दिन आपकी जुबान पे छोटे छोटे सेंटेंसेस करके आ जाएंगे ना, उस दिन आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे, उसी दिन आप इंग्लिश में सोचना शुरू करोगे, अदरवाइज तो मुश्किल है भाई। मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश बोलते कैसे हैं, किस तरीके से बोलते हैं, क्या क्या सीक्वेंसेस होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, स्ट्रक्चर्स वगैरह, तो पहले की बातें होती है। ये स्ट्रक्चर्स वगैरह सिखाने के बाद जब आपको टेंस मॉडल सारे के सारे करवा देता हूँ ना, उसके बाद मैं आपको ये सब होमवर्क देता हूँ भाई, होमवर्क देता हूँ, क्लास वर्क तो अलग होता है, तो ये चीज़ें होती है, समझ गए ना। तो इंग्लिश बोलना तो जितना ज़्यादा हो सके अपने माइंड से बनाते जाओ, जितनी ज़्यादा हो सके बेटा अपने माइंड से इंग्लिश बनाते जाओ। और मेरे को एक मिनट का टाइम दो, मैं पानी पी के आ जाता हूँ भाई। बना रही है ना, एक दो सेंटेंस बनाए हैं कि नहीं बनाए बाबू? बना रहे हो ना, ठीक है। तो अगला सेंटेंस है, नए कपड़े खरीद लो। अगला सेंटेंस क्या है बेटा? नए कपड़े खरीद लो। अब मैं बोलता हूँ, तुम्हारे कपड़े पुराने हो चुके हैं, तुम्हारे कपड़े पुराने हैं, नए कपड़े खरीद लो। Your clothes are old. Your clothes are old. So buy new clothes. चलो एक और बना लो। तुम्हारे कपड़े फट चुके हैं, तुम्हारे कपड़े फट चुके हैं। Your clothes are torn. Buy new clothes. Your clothes are torn. So buy new clothes. तुम्हारे कपड़े फट चुके हैं, इसलिए नए कपड़े खरीद लो। सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे। तुमने बोल दिया मुझे कपड़े चाहिए, मुझे नए कपड़े चाहिए, यहाँ पर है नए कपड़े चाहिए, मुझे नए कपड़े चाहिए। आपने क्या बोला बेटा? मुझे नए कपड़े चाहिए, आई नीड न्यू क्लोथ्स। तुमने बोला मेरे सारे कपड़े पुराने हो चुके हैं, इसलिए मुझे नए कपड़े चाहिए। माई ऑल क्लोथ्स आर ओल्ड, माई ऑल क्लोथ्स आर ओल्ड, सो आई नीड न्यू क्लोथ्स। तुमने बोलना है मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ इसलिए मुझे नए कपड़े चाहिए। आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, सो आई नीड न्यू क्लोथ, सो आई नीड न्यू क्लोथ। इस तरीके से आप बनाओगे। अगला है पुराने कपड़े फेंक दो। क्या है? पुराने कपड़े फेंक दो, थ्रो अवे द ओल्ड क्लोथ। चलो थोड़ा कुछ अलग बनाओ। पुराने कपड़े मत फेंको, उन्हें गरीबों में दान कर दो। ये सेंटेंस अच्छा है। पुराने कपड़े मत फेंको, उन्हें गरीबों में दान कर दो। डोंट थ्रो अवे द ओल्ड क्लोथ्स, डोंट थ्रो अवे द ओल्ड क्लोथ्स। यहाँ पे डू नॉट लगा लेना। मैं एक काम करता हूँ, मैंने बोला यहाँ पर बेटा डू नॉट लगा लेना, यहाँ पर क्या लगा लोगे आप? यहाँ पर डोंट लगा लोगे, यहाँ पर क्या लगाओगे? डोंट थ्रो अवे द ओल्ड क्लोथ्स, पुराने कपड़े मत फेंको। डोनेट देम टू द पुअर, डोनेट देम टू द पुअर, उन्हें गरीबों में डोनेट कर दो, उन्हें गरीबों में डोनेट कर दो। ये चीज़ अच्छी है, फेंकने भी नहीं चाहिए, गरीबों में दान कर देनी चाहिए। अगला क्या है? अपने कपड़े बदल लो। अगला सेंटेंस है बेटा, अपने कपड़े बदल लो, अपने कपड़े बदल लो। तो चेंज योर क्लोथ्स, जैसे मैंने बोल दिया तुम सोने जा रहे हो तो अपने कपड़े बदल लो। यू आर गोइंग टू बेड, यू आर गोइंग टू बेड, चेंज यूअर क्लोथ्स। यू आर गोइंग टू बेड, चेंज यूअर क्लोथ्स। शाबाश, इस तरीके से आपने सेंटेंस बनाना है। हम सेंटेंस बनाते जाएंगे। मैंने बोल दिया लाल शर्ट खरीद लो, लाल शर्ट खरीद लो, बाय रेड शर्ट। मैंने बोल दिया तुम लाल शर्ट में अच्छे लगते हो, तुम लाल शर्ट में अच्छे लगते हो, इसलिए लाल शर्ट खरीद लो। यू आर लुकिंग गुड इन रेड शर्ट, यू आर लुकिंग गुड इन रेड शर्ट, सो बाय अ रेड शर्ट। तुम रेड शर्ट कर लो, ब्लू शर्ट कर लो, ब्लैक शर्ट कर लो, जैसी मर्जी शर्ट कर लो भाई, वैसी शर्ट में तुम अच्छे लगते हो, ठीक है। मैंने बोल दिया साड़ी पहन लो। अब साड़ी पहनने के लिए आप वर्ब यूज़ करते हैं ड्रैप। साड़ी को हम क्या करते हैं, वैसे लपेटते हैं ना, लपेटना वगैरह यूज़ करते हैं, तो साड़ी लपेट लो, तो ड्रैप द साड़ी,
ट्रिप द, सॉरी जैसे मैंने बोल दिया, डोंट वियर दिस सूट, डोंट वियर दिस सूट, तुम ये सूट मत पहनो, ड्रेप द साड़ी, बिकॉज यू लुकिंग गुड इन साड़ी, यू लुकिंग गुड इन साड़ी। ठीक है भाई, बदल लो। अब मैंने बोल दिया कपड़े सूखने डाल दो, कपड़े सूखने डाल दो, इसका बन गया पुट द क्लोथ टू ड्राई, पुट द क्लोथ टू ड्राई। मैंने बोल दिया मैंने कपड़े धो दिए हैं, मैंने कपड़े धो दिए हैं, आई हैव वॉश्ड द क्लोथ्स, आई हैव वॉश्ड द क्लोथ्स, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। अगला है जूते पहन लो और जूते उतार दो, आसान है। तो मैंने बोल दिया वियर द शूज, वियर द शूज, और वियर की जगह आप यूज कर सकते हो पुट ऑन द शूज, क्या कर सकते हो पुट ऑन द शूज, जूते पहनने के लिए आप यूज करोगे, पहनने के लिए आप यूज करते हैं पुट ऑन, और उतारने के लिए पुट ऑफ भी यूज करते हैं पुट ऑन द शूज, या टेक ऑन, टेक ऑन भी यूज कर लेते हैं बेटा आप, टेक ऑन भी यूज कर लेते हैं पुट ऑन या फिर टेक ऑन द शूज। जैसे मैंने बोल दिया जूते पहन लो, हम बाहर जा रहे हैं, वी आर गोइंग आउटसाइड, सो पुट ऑन योर शूज, या पुट ऑन द शूज, या फिर टेक ऑन द शूज, या फिर वियर द शूज, आप दो तीन तरीके से बोल सकते हो। जूते उतार दो, टेक ऑफ द शूज, पुट ऑफ द शूज, टेक ऑफ द शूज और पुट ऑफ द शूज। ठीक है, जूते उतार दो, चप्पल पहन लो, वियर द चप्पल, चादर फैला दो, फैलाने के लिए आप वर्ड यूज करते हैं स्प्रेड, स्प्रेड द बेड शीट, स्प्रेड द बेड शीट, स्प्रेड द बेड शीट, आसान है। अगला शर्ट उतार लो, टेक ऑफ द शर्ट, पुट ऑफ द शर्ट, पुट ऑफ द शर्ट, टेक ऑफ द शर्ट, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने बोल दिया सर यू आर लुकिंग गुड इन द शर्ट, सर यू आर लुकिंग गुड इन, गुड यू आर लुकिंग गुड इन द शर्ट, सो टेक ऑफ योर जैकेट, सो टेक ऑफ योर जैकेट, इसलिए आप अपनी जैकेट उतार दो, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। भाई मैं तो लगता ही अच्छा हूँ, तुम्हें पता है सुंदर होना। ठीक है, अगला क्या है, बिस्तर पर चादर फैला दो, स्प्रेड द शीट ऑन द बेड, स्प्रेड द शीट ऑन द बेड, स्प्रेड द शीट ऑन द बेड, भी बिस्तर पर क्या फैला दो बेटा, चादर फैला दो, स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। अगला है बिस्तर लगा दो, बिस्तर लगा दो के लिए आप क्यों करोगे, मेक द बेड या फिर प्रिपेयर द बेड, मेक द बेड या फिर प्रिपेयर द बेड। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक सेंटेंस इसको चार से पांच बार तो कम से कम बोलो, और अच्छे तरीके से बोलो, अच्छे तरीके से बोलो। एक तरीका और बता देता हूँ कैसे बोलोगे इंग्लिश, जैसे आप कहीं बैठे हैं और आप चाहते हैं कि सामने वाला गुस्सा भी ना करे और आपका काम भी चल जाए, आप पहले बोलो चादर फैला दो, बाद में स्प्रेड द बेड शीट, चादर फैला दो, स्प्रेड द बेड शीट। हिंदी भी बोल लो और इंग्लिश भी बोल लो, इंग्लिश भी बोली जाएगी, काम भी चल जाएगा, सामने वाला समझ भी जाएगा, सामने वाला बेटा समझ भी जाएगा। अगला है जैसे मैंने बोल दिया लाल शर्ट सुंदर लग रही है, रेड शर्ट इज लुकिंग गुड, रेड शर्ट इज लुकिंग गुड, तुमने बोला है ब्लू शर्ट सुंदर लग रही है, ब्लू शर्ट इज लुकिंग गुड, कुछ भी कह सकते हो, दिस टी शर्ट इज लुकिंग गुड, दिस जींस इज लुकिंग गुड, इस तरीके से आप जो भी चीज यूज करना चाहो ना भाई यूज कर लो। लाल शर्ट सुंदर लग रही है, जैसे मैंने बोल दिया डोंट बाय ब्लैक शर्ट, ब्लैक शर्ट मत खरीदो, डोंट बाय ब्लैक शर्ट, रेड शर्ट इज लुकिंग गुड, रेड शर्ट अच्छी लग रही है। जैसे मैंने बोल दिया बिस्तर की चादर बदल दो, अब बदलने के लिए आप यूज करते हैं चेंज, चेंज द बेड शीट, क्या यूज करोगे, चेंज द बेड शीट। जैसे मैंने बोल दिया ये चादर, ये बिस्तर की चादर गंदी हो चुकी है, दिस बेड शीट इज डर्टी, दिस बेड शीट इज डर्टी, सो चेंज द बेड शीट। अगला मोजे पहन लो, मोजे आप जानते हैं वियर द सॉक्स, वियर द सॉक्स आसान है, टेक ऑफ द सॉक्स, मोजे उतार दो, ये भी आसान। अगला हो गया कपड़े अलमारी में रख दो, अच्छा ये ऐसे हो गया, मैं सोच रहा हूँ ये क्या है, कपड़े अलमारी में रख दो, अरे ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, अगली हिंदी गलत है, ये यहां पर आप कर लेना बेटा जी, कपड़े अलमारी में रख दो की जगह मैं यहां पर आपका चेंज करवा देता हूं, अभी एक मिनट ही लगेगा, आप इसी का बाद में स्क्रीनशॉट ले लोगे ना, अच्छा रहेगा। फोल्ड द क्लोथ्स, कपड़े समेट दो, इस तरीके से। अभी मेरी हिंदी अच्छी नहीं है तो मैं दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूँ आपके लिए स्पेशली।
मैंने बोला कपड़े समेट दो, समेट दो। चलो बन गई हमारी हिंदी, ठीक है भाई। कपड़े समेट दो का क्या बनेगा? फोल्ड द क्लोथ्स, फोल्ड द क्लोथ्स भी, कपड़े समेट दो, फोल्ड द क्लोथ्स। अगला है कपड़े अलमारी में रख दो, कपड़े अलमारी में रख दो। पुट द क्लोथ्स इन द अलमीरा, पुट द क्लोथ्स इन द अलमीरा। कपड़े अलमारी में रख दो, पुट द क्लोथ्स इन द अलमीरा। जैसे बुक्स टेबल पर रख दो, पुट द बुक्स ऑन द टेबल। एक सेंटेंस और बनाओ, बुक्स टेबल पर रख दो, पुट द बुक्स ऑन द टेबल। चलो बनाओ। और क्या बनाओगे? टेबल पर रख दो जैसे मैंने बोल दिया। चलो आगे बनाएंगे, कपड़े निकाल लो, ये तो हो गया टेक आउट द क्लोथ्स। टेक आउट या टेक ऑफ या पुट ऑफ आप यूज करते हो, टेक आउट द क्लोथ्स। अब ये वो कपड़े निकालना और ये कपड़े खोलना। कपड़े निकालना मतलब किसी चीज के अंदर से आपने कपड़े निकालने, बेटा कहाँ से निकालने हैं? जैसे मैंने बोल दिया अलमारी में से कपड़े निकालने हैं। टेक आउट द क्लोथ्स फ्रॉम द अलमीरा, जैसे अलमारी से कपड़े निकाल दो, आपने यहाँ पर बोलना है अलमारी से, अलमारी से कपड़े निकाल दो, तो आपने बोलना है टेक आउट द क्लोथ्स फ्रॉम द अलमीरा। टेक आउट द क्लोथ्स फ्रॉम द अलमीरा आप यूज कर सकते हैं। अगला है पर्दे बदल दो, चेंज द कर्टेंस। पर्दे बदल दो, चेंज द कर्टेंस। दीज कर्टेंस आर डर्टी, सो प्लीज चेंज द कर्टेंस। अगला कपड़ा काट दो, कट द क्लोथ, कट द क्लोथ। सही चल रही है क्लास, देख लूँ मैं भाई, जरूरी है देखनी भी मेरे लिए, कहीं हम मेहनत करते रह जाएं और पीछे कुछ बचे ही ना, तो जरूरी होता है बेटा, ठीक है ना। अगला है कितनी देर की क्लास रखें? चलो कपड़े सीलो भी सीलना, सू द क्लोथ्स आसान है, सू द क्लोथ्स। अगला है नए कपड़े खरीद लो, बाय न्यू क्लोथ्स। मैंने बोल दिया यूर क्लोथ्स आर ओल्ड, तुम्हारे कपड़े पुराने हैं, सो बाय न्यू क्लोथ्स। यूर क्लोथ्स आर ओल्ड, सो बाय न्यू क्लोथ्स। अगला है पुराने कपड़ों को दान करें, डोनेट ओल्ड क्लोथ्स, डोनेट ओल्ड क्लोथ्स। डोंट थ्रो ओल्ड क्लोथ्स, डोनेट द ओल्ड क्लोथ्स। अगला है नई ड्रेस खरीद लो, बाय अ न्यू ड्रेस, ठीक है भाई। अगली बात कर लेते हैं फूड यानी भोजन के बारे में। मैंने बोल दिया भोजन खाओ, ईट द फूड, क्या हो गया? भोजन खाओ का क्या हो गया? ईट द फूड। भोजन खाओ का क्या हो गया बेटा? ईट द फूड। भोजन खाओ का क्या हो गया? ईट द फूड। अगला है यहीं पर ही है, ये मैं साफ कर देता हूँ, और तरह लग रहा है मेरे को ही, तुम्हें तो पता नहीं कैसा लगने, कैसा लगेगा, ठीक है ना। अगला है हीट द फूड यानी भोजन गर्म करो, हीट द फूड, हीट द फूड, हीट द फूड। द फूड इज कोल्ड, द फूड इज कोल्ड, खाना ठंडा है, सो हीट द फूड। अगला है सब्जी को छील लो, अब छीलने के लिए जो आप यूज करते हैं, छीलने के लिए जो आप चीज यूज करते हैं वो है जी पील ऑफ, पील ऑफ आप छीलने के लिए यूज करते हैं। छीलने के लिए आप क्या यूज करते हैं? पील ऑफ, पील ऑफ का मीनिंग हो गया छीलना, पील ऑफ द वेजिटेबल्स, सब्जियों को छील लो, सब्जियों को छील लो। अगला है नींबू काट दो, कट, काटने के लिए आप यूज करते हैं कट द लेमन। अगला है नींबू निचोड़ दो, अब निचोड़ने के लिए जो वर्ब यूज करते हैं वो है स्क्वीज, क्या है? स्क्वीज, स्क्वीज द लेमन, स्क्वीज द लेमन, स्क्वीज, स्क्वीज मतलब निचोड़ना, स्क्वीज द लेमन, और छीलना पील ऑफ हो जाता है। और नमक डाल दो, पुट द सॉल्ट, आसान है। सब्जी धो लो, वॉश द वेजिटेबल। और अगला मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री, भी मैं तो हूँ, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, आसान है ये, आसान था। अगला है आटा गूंद लो, गूंदने के लिए आप क्या यूज करते हैं? नीड, और आटे की इंग्लिश क्या होती है? फ्लोर, नीड द फ्लोर, क्या है? नीड द फ्लोर। अगला क्या है? रोटियां बेल लो, बेलने के लिए आप यूज करते हैं रोल, रोल द चपातीज, रोल द चपातीज। अगला क्या है? रोटियां सेक लो, सेकने के लिए आप यूज करते हैं बेक, बेक वर्ब का आप यूज करते हैं सेकने के लिए, बेक द चपातीज, बेक द चपातीज। अब आटा गूंद लो, नीड द फ्लोर, रोल द चपातीज एंड बेक द चपातीज, आसान हो गया। अगला है आम खरीद लो, बाय मैंगोज, बाय मैंगोज, आम खरीद लो, बाय मैंगोज। केले बेचें, सेल बनानास, मैंगो बेचें, सेल मैंगोज, आसान है। आओ खाना खाएं, लेट्स है फूड, आओ खाना खाएं, लेट्स। चलो मैं आपको ये लेट्स सिखाता हूँ,
ठीक है ना। लेट्स मैं आपको सिखाता हूँ, मैं आपको ये चीज़ सिखा देता हूँ जो चीज़ हमें सीखने वाली होगी। जब हम बेटा लेट प्लस एस या फिर लेट्स का यूज़ करते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम दूसरे से क्या करते हैं, सजेशन लेते हैं। हम दूसरों से क्या लेते हैं बेटा, हम दूसरों से लेते हैं सजेशन। दूसरों से सजेशन लेने का मीनिंग क्या हो गया कि हम तो वो काम करना चाहते हैं, हम तो वो काम करना चाहते हैं, लेकिन हम सामने वाले से पूछ रहे हैं क्या वो इंसान भी वो काम करना चाहता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेटस। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लेटस, जैसे मैंने बोल दिया आओ क्रिकेट खेलें, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट। मैंने बोला आओ क्रिकेट खेलें, मैंने बोला आओ खाना खाएं, लेट्स ईट सम फूड, लेट्स ईट सम फूड, आओ खाना खाएं। अगला मैंने बोला, अगला जैसे मैंने बोल दिया लेट्स, ये क्या लिख दिया, लेट्स लेट लेट्स स्टडी, चलो पढ़ाई करें। और जैसे एक और मैंने बोल दिया लेट्स स्पीक इंग्लिश, आओ इंग्लिश बोलें, आओ इंग्लिश बोलें, इस तरीके से हम। लेकिन इसको हम एक तरीके और से भी बोलते हैं, इसको हम क्या करते हैं, एक और तरीका भी होता है इसको बोलने का, यानी दूसरों से सजेशन लेने का एक और तरीका क्या होता है, हम शैल प्लस वी का यूज़ करते हैं, शैल प्लस वी का यूज़ करते हैं, शैल प्लस वी का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया यही सेंटेंस, शैल वी प्ले क्रिकेट, चलो क्या हम क्रिकेट खेलें, क्या हम क्रिकेट खेलें। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, ये सेम वही कर रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं कि हम तो वो काम करना चाहते हैं। और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, मैंने बोल दिया शैल वी, जैसे मैं आपको कई बार बोलता हूँ शैल वी स्टार्ट अवर क्लास, शैल वी स्टार्ट अवर क्लास, क्या हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें। जैसे मैंने बोल दिया शैल वी स्पीक इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश में बात करें, क्या हम इंग्लिश में बात करें। तो इस तरीके से जब भी आप जिस काम में शामिल हों, यानी आप तो वो काम करना चाहते हैं और कोई और आप चाहते हैं कि जो आपके साथ हैं, जो आपके दोस्त हैं या कोई भी आपके साथ है उस टाइम, वो भी वो काम करे, तो आप उसके लिए लेट अस या फिर शैल वी का यूज़ करते हैं, लेट अस या फिर शैल वी का यूज़ करते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके बेटा जी कॉपी कर लीजिएगा, मैं इसको छोटा, चलो 2 मिनट का टाइम मैं आपको दूंगा, ये रहा और फिर ये रहा, आप सेंटेंस बना लेना। बाकी जब मैंने मॉडल्स की क्लास कराई है तो उसमें ये सब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से बताई है। ठीक, ये हमारा हो चुका है भाई। अगला है कॉफ़ी को कप में डालो। अब कॉफ़ी या चाय वगैरह जब भी हम कप में डालते हैं तो हम उड़ेलते हैं, हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को उड़ेलते हैं। तो उड़ेलने के लिए यूज़ की जाती है वर्ब पोर, पोर द कॉफ़ी इनटू द कप, कप है यहाँ पे, पोर द कॉफ़ी इनटू द कप, इनटू द कप, पोर द कॉफ़ी इनटू द कप। अगला क्या है, सेब को काटो, कट द एप्पल, और रोटी खा लें, ईट द चपाती, आसान थी। अगली क्या है, सब्जियां ताज़ी है, वेजिटेबल्स आर फ्रेश, वेजिटेबल्स आर फ्रेश, वेजिटेबल्स आर फ्रेश। अगला क्या है, केला कच्चा है, बनाना इज रो, रो क्या होता है, कच्चा, रो क्या होता है बेटा, कच्चा भी, केला कच्चा है तो बनाना इज रो। अगला क्या है, आटा ज़्यादा पक गया है, फूड इज ओवर कुकड। अब ज़्यादा पकने के लिए क्या यूज़ करोगे आप, ओवर कुकड, आटा क्या है, खाना ज़्यादा पक गया है तो फूड इज ओवर कुकड, पोटैटो इज नॉट कुकड या अनकुकड, भाई आलू पकाया नहीं है या आलू पका नहीं है तो पोटैटो इज नॉट कुकड या अनकुकड यूज़ कर सकते हैं। मुझे खाना दो, गिव मी फूड आसान है। और कड़ी को बाउल में डालें,
पोर द करी इनटू द बाउल, मैंने अभी अभी बताया था उड़ेलने के लिए मीनिंग में आप पोर यूज करते हैं। पोर द करी इनटू द बाउल, कप में चाय डालो, पोर द टी इनटू द कप, और अपना खाना खाओ, ईट योर फूड, और बर्तन धो लो, वॉश द डिशेज, वॉश द डिशेज। अगला है बेटा, खाना अच्छा है, द फूड इज गुड, आसान है, अपना सेब खाओ, ईट योर एप्पल, सब्जी को साफ करें, क्लीन द वेजिटेबल, क्लीन द वेजिटेबल। अगला है सब्जी को फ्रिज में रखें, पुट द वेजिटेबल इन द फ्रिज, पुट द वेजिटेबल इन द फ्रिज, ये भी आसान। अगला है एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड भी हम कर लेते हैं, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड मैंने बोला पाठ पढ़ो, रीड द लेसन आसान है, रीड द लेसन पाठ पढ़ो के लिए आपने यूज कर लिया, रीड द लेसन। अगला है पाठ याद कर लें, लर्न द लेसन, याद करने के लिए आप लर्न करते हैं। गिनती लिखें, राइट द काउंटिंग आसान है, सिक्के गिन लें, काउंट द कॉइन्स। चौक ले आओ, ब्रिंग ए चौक, ब्रिंग ए चौक टीचर्स मंगाते थे, शांति से पढ़ो, स्टडी क्वाइटली, स्टडी क्वाइटली। और अगला है कलम से लिखो, राइट विद पेन, और पेंसिल पकड़ो, होल्ड द पेंसिल, आसान आसान है ये। किताब को खोलो, ओपन द बुक, किताब को बंद कर दो, क्लोज द बुक, शब्द मिटा दें, इरेज द वर्ड, इरेज हम करते हैं ना मिटाना। ठीक से अध्ययन करें, स्टडी प्रॉपरली, ठीक से अध्ययन करें, स्टडी प्रॉपरली। मुझे गणित से प्यार है, आई लव मैथमेटिक्स, और आई लव एजुकेशन, मुझे तो भाई पूरे के पूरे पढ़ाई से ही प्यार है, आई लव एजुकेशन। मुझे हिंदी पसंद है, आई लाइक हिंदी, मुझे इंग्लिश पसंद है, आई लाइक इंग्लिश, जो भी है। साइंस मुश्किल है तो साइंस इज टफ, जवाब को ढूंढो, फाइंड द आंसर, सवाल आसान है, क्वेश्चन इज ईजी। अगला है बेटा पेंसिल का उपयोग करें, यूज द पेंसिल, कलम को पकड़ो, होल्ड द, मतलब पकड़ने के लिए आप यूज करते हैं होल्ड, होल्ड द पेन, जोर से पढ़ो, रीड आउट लाउड। अब एक काम और भी करना है, जब भी आप इंग्लिश बोलें तो आप छत पे जाएं या फिर अकेले खड़े हो जाएं, जैसे मर्जी करें, कमरा बंद कर लें, चाहे शीशे के सामने खड़ा हो जाएं या फिर शीशे के सामने खड़े हो जाएं या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करें फ्रंट कैमरे से या जैसे मर्जी, उसके बाद जोर जोर से पहले हिंदी में बोलो, जैसे पेंसिल का उपयोग करें, पेंसिल का उपयोग करें, यूज द पेंसिल, यूज द पेंसिल, यूज द पेंसिल, जोर जोर से बोलो, ताकि आपकी जुबान साफ हो जाए, ताकि आपकी जुबान क्लियर हो जाए, आपकी जुबान पे वो वर्ड्स चढ़ जाएं, ताकि आपकी जुबान पे वो वर्ड्स चढ़ जाएं, ठीक है। इस तरीके से आप बोलोगे, किताबें निकाल लो, टेक आउट द बुक्स, गृह कार्य कर लो, डू द होमवर्क, आसान है, कृपया अपना गृह कार्य पूरा करो, कंप्लीट योर होमवर्क, ढंग से लिखो, राइट प्रॉपरली, ठीक है। कल तुम्हारी परीक्षा है, टुमारो इज योर टेस्ट या एग्जाम, आसान थे ये। अगला है भाई विद्यालय के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी, तैयार होने के लिए आप यूज करते हैं जी, गेट रेडी, तैयार होने के लिए आप क्या यूज करते हैं, गेट रेडी फॉर स्कूल। श्याम पट पर लिखो, श्याम पट पर देखो, देखो श्याम पट पर देखो। अब लुक एट, लुक एट का मीनिंग होता है बेटा किसी भी चीज को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बड़ा ही ध्यान से देखना किसी भी चीज को। लुक के साथ क्या होता है, एट फिक्स होता है, लुक के साथ एट फिक्स होता है। राइट इन द नोटबुक, भी नोटबुक में लिखें, ठीक है। श्याम पट को साफ कर दो, वाइप ऑफ। अब किसी चीज़ को साफ करना तो आप यूज़ करोगे वाइप ऑफ द ब्लैक बोर्ड, वाइप ऑफ द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। और बोर्ड से कॉपी करें, कॉपी फ्रॉम द बोर्ड, कॉपी फ्रॉम द बोर्ड, ये भी आसान था। एक दो चीज़ें समझने वाली थी, देखो जो चीज़ आपकी समझने वाली होगी मैं आपको समझाऊंगा। अगला है टहल लो, क्या है टहल लो, तो टेक ए वॉक, टेक ए वॉक। टेलीविजन चला दो, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, टेलीविजन चला दो, स्विच ऑन द टेलीविजन। अब स्विच ऑन और स्विच ऑफ तो आसान है, आप जानते हैं स्विच ऑन द टेलीविजन। और अगला है वॉच द मूवी, फिल्म देखें, चलो खेलें, लेट्स प्ले, देखो आ गया ना, चलो खेलें, लेट्स प्ले, मैंने अभी तो समझाया है, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। गीत सुने, लिसन टू। एक चीज़ और याद रखोगे, लिसन के साथ टू फिक्स होता है, लिसन के साथ टू फिक्स होता है। लिसन टू द सॉन्ग, कुछ संगीत बजाओ, प्ले सम म्यूजिक, और मेरे साथ नाचो, डांस विद मी, डांस विद मी। अगला है मुझे खेल खेलने हैं, आई वॉन्ट टू प्ले गेम्स, आई वॉन्ट टू प्ले गेम्स। जब भी आपको सेंटेंस को बढ़ाना हो और दो वर्ब्स यूज करनी हो तब आप यूज करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट यूज करोगे, उसके बाद जब आप वर्ब यूज करते हैं उस सेंटेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लिया,
आई वॉन्ट टू प्ले गेम्स, मैं क्रिकेट मैं गेम्स खेलना चाहता हूँ या मुझे गेम खेलने हैं, आई वॉन्ट टू गो देयर, मुझे वहाँ मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, इस तरीके से आप कुछ कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया यह फिल्म अच्छी है, दिस मूवी इज नाइस, यह फिल्म अच्छी है, यार साथ के साथ बोलते रहना, यह फिल्म अच्छी है, आओ हम सब खेल खेलें, कम लेट्स प्ले गेम्स। अब लेट्स प्ले फिर आ गया ना लेट्स, हाँ ठीक है ना। रेडियो चालू कर दो, स्विच ऑन, स्विच ऑन स्विच ऑफ आपको पता है, रेडियो चालू कर दो, ठीक। अगला प्ले द सॉन्ग्स, गाने बजा दो, हम साथ में नृत्य करेंगे, वी विल डांस टुगेदर, टुगेदर क्या होता है साथ में, टुगेदर क्या होता है हम साथ में डांस करेंगे। मैं अच्छा गाता हूँ, आई सिंग वेल, ठीक है। रोहन एक अच्छा डांसर है, रोहन इज ए गुड डांसर, आसान है। श्याम एक अच्छा खिलाड़ी है, श्याम इज ए गुड स्टूडेंट या सॉरी गुड प्लेयर। वह शतरंज में अच्छा नहीं, ही इज नॉट गुड एट चेस, गुड के साथ एट होता है, गुड इन नहीं गुड एट, याद रखोगे गुड एट होता है भाई, ठीक है ना, गुड एट। वह मुझे बास्केटबॉल से प्यार है, आई लव बास्केटबॉल, आसान है। उसे टेनिस पसंद है, ही लाइक्स टेनिस, आओ हम मैच खेलें, लेट्स, ये देखो लेट्स कितना काम आ रहा है। शैल वी भी यूज़ करते हो, शैल वी वॉच द मैच, शैल वी वॉच द मैच, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। हमने मैच जीत लिया, वी वॉन द मैच, रवि खेल हार गया, रवि लॉस्ट द गेम, ठीक है। मैं टेलीविजन देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वॉच टेलीविजन, संगीत को सुने, लिसन टू आ गया ना, लिसन टू मैंने बताया था, लिसन टू फिक्स होता है, लिसन टू द म्यूजिक, और लेटस, लेटस फिर से आ गया भाई हमारा, गो फॉर अ वॉक, आओ हम टहलने चलें। अगला है झूलों पर सवारी करें, तो राइड ऑन, सवारी करने के लिए आप यूज़ करते हैं बेटा राइड ऑन, राइड ऑन, ठीक है, राइड ऑन द सिंग्स। और तो आपके पास कला है, यू हैव द आर्ट। अगला है उसे खेलना पसंद है, ही लव्स प्लेइंग। मैं शतरंज कभी नहीं खेलता, आई नेवर, कभी नहीं, नेवर कभी नहीं क्या कर रहा है, ज़ीरो फ्रिक्वेंसी, मैं कभी नहीं जाता वहाँ, जीरो फ्रिक्वेंसी, आई नेवर गो देयर, मैंने क्या बोल दिया, आई नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाता, आई नेवर प्ले क्रिकेट, मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलता। एक दो और कर लेते हैं, चलो नेचर से रिलेटेड पांच पूरे कर लेते हैं, ठीक है। बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है के लिए आप यूज़ करते हैं, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। अगला है मुझे सर्दियाँ पसंद, आई लाइक विंटर्स। मुझे कुत्तों से प्यार है, आई लव डॉग्स। और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ग्रो मोर ट्रीज, ये आसान है और ज़रूरी भी है, ग्रो मोर ट्रीज, जल बचाओ सेव वाटर। अगला क्या है, पानी को प्रदूषित न करें, डोंट पोल्यूट वाटर, डोंट पोल्यूट वाटर। और बाहर खेलो, प्ले आउटसाइड। और अगला है फूल मत झाड़ो, डोंट प्लक फ्लावर्स, डोंट प्लक फ्लावर्स। अगला है बेटा, अगला है वे पेड़ काट रहे हैं, दे आर कटिंग ट्रीज, दे आर कटिंग ट्रीज। यह मेरी बिल्ली है, दिस इज माई कैट, आसान है। मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग। आज बारिश होगी, इट विल रेन टूडे, आज बारिश होगी। और रेन के लिए आप इट जरूर लगाओगे, रेन के लिए इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इट विल रेन टूडे, आज बारिश होगी, ठीक है ना, इट आप लगाते हो। इसको जानने की आपको जरूरत नहीं है, बस याद कर लो। मौसम ठंडा है, द वेदर इज कोल्ड, आसान है। कल गर्मी थी, इट वॉज हॉट यस्टरडे, देखो इट 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 वॉज हॉट यस्टरडे। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड। क्या तुम्हें तोते पसंद है, डू यू लाइक पैरट्स, डू यू लाइक पैरट्स। कल बारिश होगी, इट विल रेन टुमारो, फिर से इट आ गया। अगला है बारिश क्यों होती है, वाई डज इट रेन, वाई डज इट रेन। अगला है मैं बारिश में भीग गया, आई गॉट वेट इन रेन। भीगने के लिए वेट यूज़ करते हैं। बहुत गर्मी है, इट इज़ टू हॉट, इट इज़ टू हॉट। अगला है सूरज जल रहा है, सन इज बर्निंग, आसान है। हवा साफ है, एयर इज क्लीन। मुझे लाल गुलाब पसंद है, आई लाइक रेड रोजेज। अधिक पेड़ लगाएं, अधिक पेड़ लगाएं, प्लांट मोर ट्रीज। और बगीचा सुंदर है, गार्डन इज ब्यूटीफुल। और अगला है उसके पास एक छोटा बगीचा है, ही हैज ए स्मॉल गार्डन। अगला है गेंदा पीला होता है, मेरी गोल्ड इज येलो, आसान है। सूरजमुखी खिल रहे हैं, सनफ्लावर्स आर ब्लूमिंग, ब्लूमिंग होता है बेटा खिलना, ब्लूमिंग होता है खिलना। मुझे एक बिल्ली चाहिए, आई वॉन्ट ए कैट। और रवि के पास एक सफ़ेद खरगोश है, आगे कौन सा है देख लेते हैं भाई, ट्रांसपोर्ट, चलो एक और कर लेते हैं। गाड़ी शुरू करो, स्टार्ट द कार, स्टार्ट द कार। साइकिल पर जाओ, गो ऑन बाइसिकल, ठीक है। बस को रोको, स्टॉप द बस, आसान है। बस पर चढ़ो, बोर्ड द बस, बोर्ड द बस। रेलगाड़ी आ रही है, ट्रेन इज कमिंग, आसान है। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, फॉलो ट्रैफिक रूल्स, फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अगला है लाल बत्ती पर रुको, स्पॉटेड रेड लाइट, वह गाड़ी चला रहा है, ही इज ड्राइविंग द कार।
अगला है मैं स्कूटर चलाता हूँ, आई ड्राइव स्कूटर, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, आई नीड अ मोटरसाइकिल। उसने एक नई गाड़ी खरीदी, ही बोट अ न्यू कार, पास्ट की बात है। ईंधन बचाओ, बचाओ है ये क्या लिख दिया, सेव फ्यूल और गाड़ी चलाओ, ड्राइव द कार आसान आसान है, गाड़ी से बाहर निकलो, गेट आउट ऑफ द कार, गेट आउट ऑफ द कार, ठीक है ना। स्कूटर यहाँ मत खड़ा करें, डोंट पार्क द स्कूटर हेयर, रेलगाड़ी लेट है, ट्रेन इज लेट, पहिया पंक्चर है, टायर इज पंक्चर। अभी इतने ही नहीं है ट्रांसपोर्ट के, बहुत सारे हैं भैया, ये तो कुछ कुछ करवाए हैं। गाड़ी धीरे चलाओ, ड्राइव द कार स्लोली, बत्ती हरी है, द लाइट इज ग्रीन, मेट्रो तेज़ है, मेट्रो इज फास्ट, गाड़ी शोर मचा रही है, कार इज मेकिंग अ नॉइज, स्कूटर की सर्विस की जाती है, स्कूटर इज सर्विस्ड, स्कूटर इज सर्विस्ड, ये क्या है बेटा, ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस क्या होता है, काम आपने नहीं किया। अब स्कूटर की सर्विस अपने आप तो होगी नहीं, स्कूटर की सर्विस की जाएगी, स्कूटर की सर्विस अपने आप नहीं होती ना, स्कूटर की सर्विस की जाएगी, तो स्कूटर इज सर्विस्ड। मोटरसाइकिल असुरक्षित होती है, मोटरसाइकिल इज अनसेफ, हेलमेट पहन लो, वियर द हेलमेट, और गाड़ी में ईंधन खत्म हो गया है, फ्यूल हैज फिनिश्ड इन कार, आओ साइकिल से चलते हैं, लेट्स गो बाय बाइसाइकिल, ये फिर आ गया लेट्स, ठीक है। मेरी साइकिल पंक्चर है, माई साइकिल इज पंक्चर, रवि गाड़ी जल्दबाजी में चलाता है, रवि ड्राइव्स द कार इन हरी, सावधानी से ड्राइव करें, ड्राइव सेफली और सड़क पर ध्यान दो, वॉच द रोड, वॉच द रोड, हे भगवान। रिलेशनशिप वाले भी कर दूँ, वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर, ठीक है, वह मेरी माँ है, सी इज़ माई मदर, राहुल मेरा दोस्त है, राहुल इज़ माई फ्रेंड, मेरे अंकल बाहर है, माई अंकल इज़ आउटसाइड, दोस्त सबसे अच्छे होते हैं, फ्रेंड्स आर द बेस्ट, मेरी माँ अच्छी रसोईया है, माई मदर इज़ ए गुड कुक, रमन मेरे अंकल है, रमन इज़ माई अंकल, और मेरे पिता घर पर नहीं है, माई फादर इज़ नॉट एट होम। अगला है बेटा, सविता की दो बहनें हैं, स्विता हैज़ टू सिस्टर्स, राम और श्याम भाई है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, मेरी माँ अध्यापिका है, माई मदर इज़ ए टीचर, मेरा बड़ा भाई मेरी मदद करता है, माई एल्डर ब्रदर हेल्प्स मी, बड़े भाई के लिए एल्डर, छोटे भाई के लिए आप यूज़ करते हैं यंगर, वे अच्छे दोस्त नहीं हैं, दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स, उसकी आंटी आ रही है, हर आंट इज़ कमिंग, रोहन के पिता अच्छा खेलते हैं, रोहनस डैड प्लेज वेल, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, आई लव माई मदर। अगला है बेटा, वह मेरा भाई मुझे प्यार करता है, माई ब्रदर लव्स मी, वी लव आवर पेरेंट्स, हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं, मेरी दादी दूर रहती है, माई ग्रैंड मदर लिव्स टार अवे, ठीक है, दादाजी बीमार हैं, ग्रैंड फादर इज इल, फार में टार क्या हो रहा है, ठीक है ना, और अंकल बाहर जा रहे हैं, अंकल इज़ गोइंग आउट, और मेरी बड़ी बहन नर्तकी है, माई एल्डर सिस्टर इज़ ए डांसर, मेरे दोस्त को विज्ञान पसंद है, माई फ्रेंड लाइक साइंस। अगला है, मैं अपने पिता से प्यार करता हूँ, आई लव माई फादर, मेरे परिवार में चार सदस्य हैं, माई फैमिली हैज़ फोर मेम्बर्स, यार देयर आर फोर मेम्बर्स इन माई फैमिली, आप यू भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये यूज़ करोगे, देयर आर फोर मेम्बर्स इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में चार सदस्य हैं, मेरे दो बड़े भाई हैं, आई हैव टू एल्डर ब्रदर्स, अभी की एक छोटी बहन भी है, अभी हैज ए यंगर सिस्टर, छोटी के लिए यंगर आप यूज़ करते हैं, मेरी छोटी बहन बहुत प्यारी है, माई यंगर सिस्टर इज़ वेरी क्यूट, अजय सीता का पति है, अजय इज सीताज हस्बैंड, सीता अच्छी पत्नी है, सीता इज़ ए गुड वाइफ, इसको हम बाद में बात करेंगे भाई, क्योंकि एक ही है, ठीक है मेरे बच्चे। तो आज की थी स्पोकन की क्लास, जो आसान भी थी और कुछ कुछ छोटी छोटी या थोड़ी बहुत चीज़ें सीखने वाली थी, तो आई होप आप चीज़ों को समझे भी हैं और सीखे भी हैं भाई, अगर आप चीज़ों को समझ चुके हैं सीख चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात आपके लिए, तो आपने आगे भी चीज़ें सीखनी हैं और समझनी है बेटा, ठीक है ना। तो मिलते हैं मेरे भाई कल की टेंस की क्लास में।